एसडीओपी को ग्रामीणों ने लामबंद होकर सौंपा ज्ञापन। बड़ा मलहरा पुलिस विभाग के शेंधवा चौकी प्रभारी की कार्यशैली के पक्ष में चौकी क्षेत्र के ग्रामीणों ने लामबंद होकर एसडीओपी रोहित अलावा को ज्ञापन सौंपा। उक्त ज्ञापन में ग्रामीणों ने उल्लेख करते हुए लिखा, बीते दिन ग्राम पंचायत शेंधवा के सरपंच देवी दीन उर्फ कल्लन अहिरवार ने पुलिस अधीक्षक आगम जैन को चौकी क्षेत्र के ग्रामों में चौकी प्रभारी राम प्रकाश अहिरवार के संरक्षण में दबंगई गुंडागर्दी अवैध शराब सट्टा जुआ रेत का धंधा पनपने का आवेदन देते हुए चौकी प्रभारी को हटाए जाने की मांग की थी, जिससे शेंधवा चौकी अंतर्गत ग्राम शेंधवा राजापुर बराज पटपुरा धनगुआ लखनवा गांधीनगर सहित ग्रामों के ग्रामीणों ने चौकी प्रभारी पर लगाए गए सभी आरोपों को नकार हुए एकजुट होकर एसडीओपी को चौकी प्रभारी की कार्यशैली जनहित ऐसी बताते हुए उन्हें यथावत चौकी में रखे जाने का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थीं। कहां की रहने वाली हो? यहां आज एसडीओपी कार्यालय किस लिए आए हो आप लोग? चौकी प्रभारी जी अच्छे आदमी है, इसलिए ज्ञापन दिया है। हम लोगों ने परसों के दिन पेपर में और नेट पे हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने जो ग्राम शेंधवा के चौकी प्रभारी मिस्टर राम प्रकाश जी हैं अरवा जी, उनके प्रति कुछ लोगों ने छतरपुर और एसपी साहब को एक आवेदन दिया है, जिसके खिलाफ कई गलत तरीके से यहाँ पर चौकी चला रहे हैं और कुछ गलत गरीब लोगों को गलत तरीके से बहका रहे हैं। बाकी हम लोग ये देखा है कि हम लोगों ने बाकी में यार ये गलत तो नहीं है, लेकिन जो गलत कहे जो इनने शिकायत किया है बाकी झूठ है। हम लोग पढ़ने के नाते हम लोग एसपी एसडीओपी कार्यालय इसलिए आए पूरी जनता मिलाकर, कम से कम 500 लोग हैं, कि हम लोग बाकी में जब से हमारे चौकी व्यापारी राम प्रकाश जी आए हैं यहाँ पर ना तो हम लोग को कोई दिक्कत है और ना ही बाकी में किसी प्रकार से कोई बहका फुसला रहा है। बल्कि जो दमंगी लोग थे, कुछ लोग यहाँ के जो अपने दमंगी को लोगों से दमंगी शराब पी करके गरीब लोगों को हम लोगों को परेशान करते थे, हमको बाहर बैठने में डर लगता था। और जब जंगल हम लोग पत्ती टूटने जाते थे, महुआ बीनने जाते थे, लोग जंगल में आकर के कुछ दहशत फैलाते थे। हम लोग गरीब लोग हैं जो अपना कारोबार नहीं चला पाते थे छोटा मोटा, इसकी वजह है कि आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जब गाँव में हम लोग कुछ लोग दारू शराब पी करके हम लोग ड्रामा करते थे, मारते थे, पीटते थे, आज जब से राम प्रकाश तिवारी जी आए हैं बाकी में हम लोग कोई दिक्कत नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। यदि हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे प्रभारी जी को चौकी प्रभारी में ही रहना दिया जाए और ना कि इनका ट्रांसफर किया जाए।